नमस्कार। आज हम टमाटर की कढ़ी बनाएंगे। इसके लिए जी मैंने हाफ के जी टमाटर लिए हैं और जो सामग्री इसमें चाहिए ये अदरक है, 2 चम्मच बेसन, मेथी दाना लिया है, हरी मिर्च है इसको मैंने लंबा लंबा काटा है, हल्दी पाउडर नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग लेंगे, सरसों के दाने हैं, लहसुन, जीरा, हींग, करी पत्ते। सबसे पहले हम आधे टमाटर इसमें से हम काटेंगे और आधे टमाटर को हम प्यूरी बनाएंगे। उन टमाटरों को हमें बिल्कुल छोटे पीस में काट के तैयार करना है। इस तरह से हम छोटे छोटे इसमें से काट लेंगे, इसका बीज हटा देंगे और इसको हम इस तरह से काट लेंगे। इस तरह से हमें छोटे छोटे पीस में चाहिए इसको, इस तरह से हम इसको काट के तैयार करेंगे। देखिए इन टमाटरों को काट के तैयार कर लिया है और इन टमाटर की हम प्यूरी बनाएंगे और ये जो हमने बीज निकाले थे इसको भी हम इसी के साथ पीस लेंगे। लहसुन को पीसेंगे और 2 हरी मिर्चें हम इसके साथ पीस लेंगे। पैन हमारा गर्म हो गया है और इसमें हम ये 1 चम्मच ये तेल डालेंगे और अब हम इसमें सरसों डालेंगे। सरसों के दाने भुन जाएंगे, आंच हमको धीमी ही रखनी है और अब हम हींग डाल देंगे, जीरा डालेंगे, मेथी, हरी मिर्च, और ये करी पत्ते और ये हल्दी। पानी डाल देंगे, ये 1/2 kg हमने पानी डाल दिया और इसको हम ये नमक डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग और इसको ढक देंगे। जब ये खोल जाएगा तब हम आगे का प्रोसेस करेंगे। बेसन को घोल लेंगे, जब तक हमारा उधर पक रही है, खोल आ जाएगा तब तक हम बेसन को घोल के तैयार करेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसको घोलेंगे। अगर एक साथ ज़्यादा डाल देंगे तो इसमें गुठली पड़ जाएंगी, गांठ पड़ जाएगी और ये एक साथ घुलेगा नहीं, इसलिए हमको थोड़ा सा पानी डाल करके पहले इसको घोल लेना है। इस तरह से ये देखिए, इस तरह से हम इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके ये देखिए हमारा एकदम चिकना पेस्ट तैयार हो गया। अब हम इसमें पानी डालेंगे। इस तरह हमने ये घोल तैयार कर लिया और थोड़ा पानी डालेंगे। ये देखिए हमारा घोल तैयार हो गया और इधर हमने ये प्यूरी बना करके टमाटर को पीस के तैयार कर लिया। टमाटर, अदरक और लहसुन को पीस के तैयार कर लिया। अब ये देखिए हमारा बेसन भी तैयार हो गया। अब हम उधर ग्रेवी की तरफ अपने चलते हैं। देखिए अभी हमारा ये खोल आ गया है इसमें और इसमें ये हमने बेसन घोला था इसको हम डाल देंगे इसमें। देखेंगे अब ये गाढ़ी होने लगेगी हमारा, ये पानी बेसन डाल दिया तो ये देखिए गाढ़ी होने लगी है और इसको हम खोल आने तक इसको पकाएंगे। कितना गाढ़ा हो गया देखिए, ये देखिए इसमें खोल आ गया है हमारी ग्रेवी में और अब इसमें ये टमाटर कटे हुए डाल देंगे और अब इसको हम 1 मिनट पकाएंगे। इसको बंद कर देंगे जब तक ये खोल नहीं आ जाता है इसमें। ये 1 मिनट हो गया है देखिए और अब हम इसमें अपनी जो टमाटर की ग्रेवी डाल देंगे।
और इसी तरह से इसको पकने देंगे। इसको थोड़ी देर अब छोड़ देंगे इसको, और इसको 10 मिनट तक हम इसी तरह से इसको पकाएंगे धीमी आंच पर, और इसको ढक देंगे। अब हम 10 मिनट तक हमको इसको पकाना है। 10 मिनट हो गए हैं, हम इसको चेक करेंगे। देखिए हमारी कितनी गाढ़ी और कितनी बढ़िया बनकर के तैयार हुई है। और इसमें ये धनिया पत्ती डाल देंगे। देखिए कितनी अच्छी, हम इसे गैस बंद कर देंगे, उसको नीचे उतार लेंगे और तड़का तैयार करेंगे। ये देखिए ये हमारी तैयार हो गई। देखिए हमने नीचे उतार लिया है अब कढ़ी को, टमाटर की कढ़ी हमारी बनकर तैयार है और हम इसको सर्व करेंगे। अब तड़का लगाएंगे। पैन हमने गर्म कर लिया है और इसमें हमने ये आधा चम्मच तेल डाला और ये करी पत्ते डाल देंगे, हरी मिर्च, ये अदरक के कुछ स्लाइस हैं और इसको हम यहाँ डाल देंगे और ये स्लाइस को थोड़ा सा ऊपर से लगा देंगे। ये देखिए हमारी टमाटर की कढ़ी बन करके बिल्कुल तैयार है, बहुत ही टेस्टी और बहुत बढ़िया बनी है। आप भी बनाइए और कमेंट करिए कि आपको कैसी लगी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब अवश्य करिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। नमस्कार।